हाय फ्रेंड्स, मैं अमसूरिया है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा आपके और मेरे कनेक्शंस के बारे में। जी हाँ, खुशखबरी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है और कई सारे मुद्दों पर मैं बात करूंगा। लेकिन बेसिक तौर पे सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, हमारी जो फैमिली है सब्सक्राइबर्स वाली, वो बढ़ चुकी है 11,000 के पार। जी हाँ, फैमिली बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ रही है। कुछ आई थिंक 15-20 दिनों से, जब से यूट्यूब ने अपनी पॉलिसीज में थोड़े चेंजेस लाए हैं, यूट्यूब थोड़ा सा बेहतर हुआ है। वरना पिछले मार्च और अप्रैल महीने में बहुत हालत खराब हो गई थी, बिल्कुल ही कुछ नहीं मिल पा रहा था पैसे के तौर पे, और व्यूज भी ज्यादा नहीं आए थे क्योंकि यूट्यूब खुद व्यूज देना बंद कर दिया था उसने, ज्यादा प्रमोट करना खुद वीडियोस बंद कर दिया, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई थी। और जो अगर फुल फ्लैट जो सिर्फ यूट्यूब के भरोसे पे थे, वो तो लगभग लगभग उनकी हालत खराब हो गई थी। तो ऐसा चीजें थी। अब मैं बात करूंगा 11,000 सब्सक्राइबर्स कितना वक्त लगा, क्या कैसे हुआ वो बता देता हूँ। 10,000 सब्सक्राइबर्स कुछ करीबन 15 दिन पहले ही हो गए थे, और 15 दिन से भी कम का वक्त लगा है। और एक वक्त ऐसा भी था जब मार्च से लेकर अप्रैल तक का महीने में कि मुझे 1.5 महीने लगे थे 1,000 सब्सक्राइबर्स जुटाने में। तो इतना स्लो चल रहा था उस टाइम पे यूट्यूब, बट ठीक है, अभी फिलहाल काफी हद तक जो एडवर्टाइजर्स खफा हो गए थे यूट्यूब से, वो वापस आ चुके हैं, और इसलिए उससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल रहा है सभी को जो नए यूट्यूबर्स हैं। मेरी तरह नए मतलब एक साल हो गया, मतलब मैं तो नहीं हूँ, जो ऑलरेडी 4-5 साल से बने हुए वो तो पुराने हैं। मेरे हिसाब से मुझे भी अभी काफी कुछ सीखना है, जानना है। मैंने ज्यादातर वीडियोस जो भी बनाए, मैंने कभी ज्यादा छल कपट करने की कोशिश नहीं की, बहुत ही ज्यादा अलग करने की कोशिश नहीं की, बाहर अंदर बाहर कुछ और अंदर कुछ और ऐसे दिखाने की कोशिश नहीं की। अभी भी उसी रास्ते पे मैं बरकरार हूँ। बस एक ही चीज मैंने स्टार्ट किया था 10,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद, कि मैंने बोलना चालू कर दिया कि भाई लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। और वो इसलिए बोलना चालू किया क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लोगों को नहीं पता होता है सब्सक्राइब के बारे में, वो सब वीडियोस देख लेते हैं, उसके बाद वापस से अगर वो चैनल भी ढूंढना चाहते तो उनको याद नहीं रहता। तो इसलिए अगर सब्सक्राइब किया रहेगा बंदा, उससे अपडेट मिलता रहेगा, तो इसलिए मैंने बोलना चालू किया। इसके कई सारे रीजन थे, बहुत लोगों ने मुझे बोला यार क्यों चालू किया, तो उसमें से यही रीजन एक था, इसलिए मैंने ये चालू किया कि मैं बोलता हूँ कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब, मोस्टली तो सब्सक्राइब ही बोलता हूँ, लाइक कमेंट तो आपके बहुत ज्यादा आते ही है, जितना शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पे इतना ज्यादा कमेंट और लाइक्स डिसलाइक आता है जितना मेरे चैनल पे आता है। तो वो एक एंगेजमेंट लेवल है जो मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों से रखा है, एक साल पहले से जब से स्टार्ट किया, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। और इस साल का मेरा वो क्या बोलते हैं, साल का रेजोल्यूशन भी वही है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूँ हर एक कमेंट का रिप्लाई देने को, जो नहीं हो पाता तो मैं जितना भी हो सके उतना जरूर करता हूँ। और व्यूज की बात करें तो 43 लाख व्यूज हो गए हैं, 43 लाख व्यूज हो गए। जी हाँ, 43 लाख लोगों ने मुझे देख लिया है, तो खुशी बहुत होती है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि हाँ थोड़ा स्टार जैसा बन गया, थोड़ा सा बहुत कुछ पावर आ गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितना पहले जो था वैसे अभी भी हूँ, ज्यादा एडिट नहीं करता, ज्यादा कुछ नहीं करता, थोड़ी थोड़ी चेंजेस करने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ। आपको वो दिख भी रहा होगा, आपको पसंद आता भी होगा, और आप शायद उसे खुश होंगे, शायद इसलिए आप लोग अभी भी इस चैनल से उम्मीद नहीं छोड़े हैं, इस चैनल से बने हुए हैं, सपोर्ट करते हैं मेरा हमेशा। और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट खबर जो आपको दो कहनी है, उसमें से एक ये कि फिलहाल मैं बिल्कुल ही जॉब पे नहीं हूँ, और कहीं ना कहीं जब होऊंगा तब अलग बात है, लेकिन फिलहाल फुल टाइम मैं दे रहा हूँ यूट्यूब को, यानी कि आपको जो भी न्यूज़ मिलेगी तुरंत मिलेगी और फटाफट मिलेगी, यानी कि जैसे ही न्यूज़ हैपनिंग होती कोई बड़ी, आपको जरा सा भी वक्त नहीं लगे, आपके पास पहुंच जाएगी वो न्यूज़ हैपनिंग आपने अगर सब्सक्राइब किया है तो। और कहीं ना कहीं दूसरी एक और चीज़ आपको कहनी है जो काफी वक्त से मुझे कहनी थी, काफी वक्त से मतलब काफी वक्त से मैं माइंड में थी बट मैंने कह नहीं पाया, वो मैं कहने जा रहा हूँ, वो है कि आप अब मुझे मेरी वेबसाइट पे भी जाके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। जी हाँ, मैंने अपनी वेबसाइट्स ऑन की है और उस पर भी आप जितने भी अपडेट्स होंगे जाके देख सकते हैं। मेरा नया नया चीजें चालू की है वेबसाइट, तो वहाँ पे भी अगर आप चाहे तो हर दिन के अपडेट्स करता हूँ मैं, न्यूज़ बड़ी बड़ी जो न्यूज़ है सब डालता हूँ आपको डिटेल में, वहाँ पे भी मिल जाएगी। और वो कैसे आपको जाना है वहाँ तक मैं अभी वीडियो में आपको शो करता हूँ, चलिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि मेरी नई वेबसाइट बनाई है, तो वेबसाइट पे जाके बताता हूँ आपको आखिरकार मेरी वेबसाइट दिखती कैसी है। आई नो आप लोग को भी बहुत खुशी होगी जानने की, बस आपको बॉलीवुड क्रेजीज टाइप करना है तो आपको .com दिख जाएगा, bollywoodcrazies.com। जैसे ही आप टाइप करोगे आपको मेरी वेबसाइट सबसे पहले नजर आएगी, या तो फिर आपको तीसरे या चौथे नंबर पे नजर आएगी आपके लैपटॉप या पीसी पे, बस बॉलीवुड क्रेजीज आपको दिखे। आपको बस ये खोलना है, आप जैसे ही खोलोगे आपको आज से जुड़ी हुई जो भी अपडेटेड न्यूज़ होगी वो आपको मिल जाएगी। आप जैसे देख सकते हो अपडेटेड न्यूज़ मेरे पास, जो भी है आपको बता देता हूँ, ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी।
आपको डेली की चीजें आपको पता चल जाएगी आखिर क्या क्या है। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको हर एक न्यूज़ आपको मिलेगी, बॉलीवुड हॉलीवुड ट्रेलर्स, अपकमिंग मूवीज, बॉक्स ऑफिस रिव्यूज, टेलीविजन फीचर्स, क्रिकेट कॉन्टेक्टर्स में आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। हर एक चीज़ मैंने बनाई है हाल ही में। आई होप आपको वेबसाइट में पसंद आई। जैसे कि मैं बॉलीवुड में जाता हूँ तो बॉलीवुड पे क्लिक करोगे तो आपको बॉलीवुड सेक्शन की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको मिलेगी, चाहे वो आमिर खान से जुड़ी हुई हो, चाहे वो जो भी चीज़ों से जुड़ी हुई हो, बाकी भी उससे नीचे हुए उससे जुड़े हुए आर्टिकल्स दिखेंगे। और राइट साइड में आपको आर्टिकल्स दिखेंगे। और यहाँ से भी अगर आप डायरेक्टली सोशल मीडिया पर जाना चाहते हो तो मेरे यहाँ से क्लिक कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने चालू की है, आई होप आपको अच्छी लगेगी। इसके अलावा आप बाकी जो ऑप्शन है उस पर भी जाके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, आपको लेटेस्ट जानना है डेली का तो आप लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान सकते हो बिना किसी डिले के। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जैसे कि ये अपडेट है, दंगल ने 1900 करोड़ कमा लिए है, यानी कि आज का अपडेट। तो इसी तरह से आपको डेली अपडेटेड मिलेंगे, डेली फैक्ट्स मिलेंगे जानने के लिए, अपडेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ आगे आगे लाने के लिए। और आपको हर एक तरह की न्यूज़ मिलेगी, रिव्यूज़ मिलेंगे, टेलीविजन के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जो इम्पोर्टेंट शोज रहेंगे, क्रिकेट के बारे में भी अपडेट्स मिलेंगे, जो बेसिक मैंने नया नया चालू किया है, तो हर एक चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का जो भी रिपोर्ट आया था तो आपको हर एक चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी वेबसाइट पे। तो आपको कहीं और जाने की आई थिंक जरूरत नहीं। जितनी भी बड़ी न्यूज़ होगी वो आपको मिलेगी, इसमें बकवास न्यूज़ कोई नहीं होगी। हर कोई न्यूज़ बड़ी होगी और इंपॉर्टेंट होगी जो आपसे और मेरे लाइफ से जुड़ी हुई होगी, यानी कि जो हमें जाननी चाहिए बॉलीवुड की न्यूज़ वैसी होगी। आई होप आपको ये मेरा अच्छा लगा होगा ये वेबसाइट। तो आपसे बस यही दुआ है, इतला है कि आपको जब भी कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना हो या जानना हो तो आप बेझिझक इस वेबसाइट पर आइए, bollywoodcrazies.com बस सर्च करिए, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी आपको, जहाँ पे आपको हर डेली अपडेट्स पता चल जाएंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आपने देख लिया होगा कि किस तरह से वेबसाइट पर जाके आप आर्टिकल मेरे पढ़ सकते हो। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं घर पे नहीं हूँ और मुझे मैंने आपको अपनी थोड़ी सी मजबूरी जरूर बताई थी कि मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे हमेशा हर महीने चाहिए, और इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो अगर घर बैठे ही मैं निकाल दूँ वो पैसे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उस चीज़ में देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें मुझे पसंद है। और मैं खुद चाहता हूँ कि आपको हमेशा अपडेटेड न्यूज़ दूँ, क्योंकि ऐसा वक्त भी आ रहा था जब मैं सुबह 11 बजे की न्यूज़ आपको 11-12 बजे दे रहा था। तो आई थिंक मुझे वो नहीं करना है, सुबह 11 की न्यूज़ है तो सुबह 11 बजे ही आपको मिलने चाहिए। तो ये चक्कर के लिए, ये चीज़ों के लिए मैंने सोचा है कि खुद से ज़्यादा वक्त दूँ आपको, यानी खुद फुल टाइम यूट्यूबर जैसा काम करूँ या बन जाऊँ। बिल्कुल अभी तो फिलहाल वही हूँ, पीछे 7 दिन से मैंने फुल टाइम यूट्यूबिंग ही चालू की, इसलिए आपको हर एक न्यूज़ फटाफट मिलती होगी, अपडेटेड मिलती होगी, और कहीं ना कहीं आपका प्यार इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए आपको मतलब इसलिए इतला कर दिया कि हम मेरी वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी जाके न्यूज़ पढ़ सकते हो। साथ ही एक और चीज़ आपको बताना है कि मेरा एक YouTube चैनल्स के अलावा भी है, क्रिकेट वर्सेस बॉलीवुड। जी हाँ, ये भी एक चैनल है जिसके बारे में मैंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया था, और ये इस पर मैंने हाल ही में काम करना चालू किया है। जिन लोगों को इंग्लिश में न्यूज़ पढ़नी हो या जाननी हो, थोड़ी सी अलग न्यूज़ जाननी हो हॉलीवुड के बारे में, ज़्यादा न्यूज़ जाननी, तो आप उस चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। मैं मेरी वेबसाइट का लिंक और यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। और मैंने ज़्यादा दिनों से वैसे ट्विटर पे वर्क नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे भी वर्क नहीं किया है, फेसबुक के पेज पे भी वर्क नहीं किया है, बट तीनों चीज़ों पे वर्क करना धीरे धीरे चालू कर रहा हूँ। तो आप वहाँ पे भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके, मतलब टोटल तरीके से आप मुझे जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं इन रिटर्न आपको प्यार दे पाऊँगा। प्यार मतलब प्यार तो देता ही हूँ, मतलब उतना ज़्यादा मैं सपोर्टिव बन पाऊँ, क्योंकि मेरी अगर अर्निंग धीरे धीरे चालू हो गई इस जो चीज़ों से, जैसे यूट्यूब से और वेबसाइट से, तो मैं आई थिंक अपना जो पूरा फोकस इससे में लगाऊंगा, यानी कि आपको चीज़ें हमेशा फटाफट और तुरंत मिलेगी। जो आपने देखा भी होगा पिछले 1 साल में जो न्यूज़ मैं देता हूँ वो बहुत ही हटके होती है, अलग होती है, और वो बहुत सीधी सीधी होती है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है तामझाम। तो आप लोग का बस इसी तरह प्यार चाहिए आपके, मैं अपने हर एक लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, और एट द एंड ऑफ द वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिलेगा, वेबसाइट का भी लिंक एट द एंड ऑफ द वीडियो भी मिल सकता है, और डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके ओपन कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे हर जगह पे, और आपको हर जगह पे आपको अपडेटेड ही न्यूज़ मिलेगी, चाहे ट्वीट से लेके इंस्टाग्राम पे पोस्ट तक, हर चीज़ें आपको मैं अपडेटेड कोशिश करूंगा देने की। ये मैंने नई चीज़ें चालू की है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे ज़रूर होगा, शायद वक्त में थोड़ी डिले ज़रूर आएगी, क्योंकि खुद अकेले ही अगर करना हो तो वक्त लगता है, बट कोशिश मेरी ये है कि आपके लिए फुल फ्लेज्ड अप करूँ। और कहीं ना कहीं मैंने आप सभी को अपने फैमिली बोला है, और आपने फैमिली की तरह ही मुझे प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, इसलिए मैं आप सबसे ये सब चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ, और अपनी हर एक बातें कह पा रहा हूँ। पिछले 1 साल से अगर मैंने किसी चीज़ से शिद्दत से प्यार किया है तो आप लोगों से ही किया है, और ये सच बोल रहा हूँ।
और शायद आपको प्यार दिखता होगा। रोजाना मैं 3-4 घंटा स्टार्टिंग में देता था, अब मैं आपको दिन में कम से कम 16 से 18 घंटा दे रहा हूँ। यानी कि लगातार लाइव तो नहीं आ सकता, बट वीडियोस बना रहा हूँ, नई चीजें अपडेट कर रहा हूँ, आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, ताकि आपको हर एक न्यूज अपडेटेड रहे। और आप लोग जो मुझे देखते हैं इंडिया से, इंडिया के बाहर नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके अलावा मिडल ईस्ट कंट्रीज से देखते हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई, उसके अलावा आप मुझे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितनी भी कंट्रीज से आप मुझे देखते हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह से मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, हर एक चीज़ें आपको और फटाफट मिलेगी, तुरंत मिलेगी मैं कहता हूँ। और आपने अगर देखा हो पिछले 1-1.5 महीने से मैं दंगल है कलेक्शन ऑन द स्पॉट दे रहा हूँ, यानी कि जैसे ही न्यूज़ आई वैसे 5 मिनट के अंदर आपके पास कलेक्शन पहुंच रहा है। और मैंने हाल फिलहाल में कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे चालू किया, Top 5 Bollywood News per day, यानी कि जो बॉलीवुड न्यूज़ जो बाकी बड़ी खबरें मिस हो गई हो वो आपको एक ही वीडियो में बना के दूँ, तो वो सब भी सेगमेंट चालू किया है मैंने। और बहुत ही जल्दी आई थिंक और चीज़ें बनाऊंगा आपके लिए। आई थिंक इतना सरप्राइज आज के लिए बहुत हो गया होगा। और इसी तरह से आप वीडियोज़ देखते रहिए, इसी तरह से प्यार देते रहिए, आपके साथ इसी तरह से मैं बना रहूंगा और हर चीज़ें हम शेयर करेंगे। बस आप सबका प्यार और दुआ चाहिए, और बस आई थिंक मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दुआ प्यार मिलेगा तो मुझे नहीं लगता मुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी या तो किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो बस इतना ही है कि बस आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, आई लव यू, एंड हमेशा आप मेरे से बस इसी तरह बने रहिए। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको हमेशा कभी भी उदास नहीं करूँगा, हमेशा खुश रखूंगा। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय बाय।